डीडी किसान बदलते भारत की शान। देश की बहुसंख्यक आबादी गांव में ही बसती है। बावजूद इसके आबादी के कई दशकों तक ग्रामीण भारत में रहने वाले लोग अभाव के दबाव में जिंदगी बसर करने पर मजबूर रहे। गुलामी का कहर भी गांव के किसान पर टूटा था, लेकिन सृष्टि के पोषक हमारे अन्नदाता देश के अन्न भंडार को भरने में कभी पीछे नहीं हटे। सालों साल साहूकारों की प्रताड़ना, अकाल, अत्याचार की मार झेलने वाला किसान लगातार विकास की बाट जोहता रहा, लेकिन सरकारी योजनाएं फाइलों में ही दबकर रह जाती या धरातल पर उतरने से पहले ही बिचौलियों के भेंट चढ़ जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीते कुछ सालों से योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, विकास दिखाई देने लगा है, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। अब तस्वीर कितनी बदली है, सरकार की योजनाओं से लोगों की जिंदगी कितनी खुशहाल हुई है, किसानों को किस तरह राहत दी जा रही है, जमीनी हकीकत और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए किसान यात्रा की टीम एक बार फिर किसानों के बीच पहुंचने वाली है। आज की हमारी मंजिल है देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ताज नगरी आगरा की, जो अपनी खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक आगरा में स्थित मोहब्बत की इस निशानी को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन आज किसान यात्रा की टीम पर्यटन से हटकर खेती किसानी और आम लोगों की बदलती जिंदगी को देखने के लिए ताज नगरी आगरा के गांव में आ पहुंची। नाम है बास बोडिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हैदर सेठी और किसान यात्रा की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के आगरा। आगरा को प्रेम की निशानी, ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है और आज आगरा के ग्राम बास बोडिया में हम पहुंचे हैं, जहां के किसान आलू की खेती करते हैं और आलू की खेती इतनी करते हैं कि लगातार वो इसी की वजह से विकास के पथ पर अग्रसर हैं। इसके अलावा अब सब्जियों की खेती की शुरुआत भी उन्होंने तेज़ी के साथ कर दी है और जिस तरह से वो लगातार खेती कर रहे हैं, इस देश के लिए मिसाल बन रहे हैं। अब हम किसान यात्रा में उनसे जानेंगे और समझेंगे कि कैसे वो लगातार विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं गाँव की ओर और बात करते हैं यहाँ के लोगों से और समझते हैं कि कैसे वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बास बोडिया गांव के किसान इस समय एक्टिव मोड में आ गए हैं। किसानों ने रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू कर दी है। आगरा के किसान आलू की खेती में खासा दिलचस्पी लेते हैं, जिसकी तैयारी यहाँ चहुं ओर देखी जा सकती है। कहीं आलू के उन्नत बीज को बुआई के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है, कहीं बुआई जारी है तो कहीं फसल लेलहाने लगी है। खेती किसानी में बदलाव और अन्नदाताओं के हाल जानने के लिए हम भी खेतों में उतर गए। तो किसान यात्रा के दौरान ग्राम बास बोडिया में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान किस तरह से खेती करते हैं और किस तरह से लगातार अपने जीवन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये समझने के लिए एक किसान हमारे साथ हैं जो आलू की खेती करते हैं और इस वक्त आलू की पैदावार की तैयारी कर रहे हैं, आलू की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। उनसे समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन है सर। आप किसान हैं? हाँ जी। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, जी, की योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँचता है? हाँ, बिल्कुल पहुँचता है। यहाँ पर आपको परिवार में किसी को मिलते हैं सम्मान निधि, वो जो 2000 रुपए का? हाँ, मिला था अब तक, जो है मिलता भी है यहाँ पर, अभी मिलता है। किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो अभी भी जो है लोगों के अकाउंट में आता है, प्लस आपकी जो पेंशन वगैरह है ये भी अभी जो है आती है यहाँ पर, जो है और भी काफ़ी जो है सरकारी सड़क है। हाँ, सड़क हमारे गाँव में प्राथमिक विद्यालय भी है और सड़कें भी, मतलब जो है चारों तरफ से रास्ता है, बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। देखिए, गांव में ही और लगातार जो आलू की तैयारी चल रही है यहाँ, क्योंकि आलू की जो बुआई होनी है वो तैयारी यहाँ चल रही है और तमाम जो यहाँ किसान हैं वो हमारे साथ हैं। देखिए, एक बुज़ुर्ग किसान हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि गाँव कैसा है, गाँव में क्या हुआ है और किस तरह की खेती बाड़ी उनकी चल रही है, ये समझते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। सतीश त्यागी है,
और गांव में जो मतलब आलू की बुवाई की तैयारी हो रही है इस समय, कुछ बोया जा रहा है और कुछ बो गया है, कुछ तैयारी चल रही है। भारत सरकार की योजनाओं का लाभ, भारत सरकार की योजनाओं का ये जो सम्मान निधि आती है वो कुछ लोगों की तो आ रही है, कुछ लोगों की कट गई है, अब यही नहीं मालूम क्यों कटी है। गांव में रास्ता तो सही हुई है और पानी की व्यवस्था भी हो रही है, गंगा जल की व्यवस्था हो रही है, उससे जो रास्ता सही थी। गांव ठीक है आपका? हाँ गांव ठीक है एकदम, हाँ समृद्ध है। लेकिन जो आलू के बारे में वो है तो मजदूरी और आलू की लागत इतनी महंगी हो गई है कि किसान को बच कुछ नहीं रहा है। तो योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है और गांव की तस्वीर बदल रही है, और ये सब हो पा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच की बदौलत। देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा से ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि दुगनी रफ्तार से गांव तक बिजली, सड़क, परिवहन का ढांचा विकसित किया जा रहा है। समाज में विषमता को दूर करने और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मोदी सरकार निर्धनता निवारण की कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की है। आज किसान खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर विकास की ओर बढ़ चले हैं। मेरा नाम पॉप सिंह त्यागी, बाजवोड़िया, थाना बरहन, आगरा से हूँ। मैं किसान हूँ और यहाँ मोदी जी की योजना जल योजना, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वल योजना का लाभ बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और हम लोग दिन पर दिन आगे मतलब खेती में खुशहाल हैं। यहाँ पे हम लोग आलू की खेती करते हैं, ना पानी की समस्या है, पानी अच्छा मिल रहा है, डीएपी अच्छी मतलब खाद भी सही समय पे मिलता है, समय पे बिजली मिलती है, इसलिए किसान बहुत खुश है मोदी जी की योजना से। बीजेपी की सरकार आने से हम लोग दिन प्रतिदिन खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। सड़कें मतलब गड्ढा मुक्त हैं, अच्छी सड़कें हैं, बेहतर है। इस शिक्षा समय पे मतलब खुल रहे हैं और शिक्षा का स्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो कैसा है गांव आपका? गांव बहुत अच्छा है और सभी लोग मतलब खुशहाल हैं और सर्वसम्मति से रह रहे हैं, और उनकी जो कानून व्यवस्था है इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग निद्रक होकर के चैन से सो रहे हैं। यही मोदी जी की योजना से हम बहुत खुश हैं। गांव के किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में सिर्फ योजनाओं का ही लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि उनकी भी पूरी सुरक्षा हो रही है। चोरी डकैती, छीना झपटी, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं अब नहीं होती, कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडागर्दी कम हुई है, आदमी रात में कहीं भी आ सकता है, जा सकता है साहब, कोई पर हाँ सुरक्षित है साहब, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। हाँ बढ़िया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में सरकार ठीक है, पहले की सरकारों में नहीं। और साहब बहुत जोर की गुंडागर्दी, गांव ठीक है, समृद्ध है साहब। अच्छा। गली खरंजा ठीक है साहब, सरकार की तरफ से हाँ लाइट आती है, 18 घंटे लाइट आती है साहब। तो ये तो बदली है नहीं, ये लाइट के मामले में सरकार और अलग, गांव की लाइट अलग हो गई है, ट्यूबवेलों की लाइट अलग हो गई है साहब। तो सुना आपने, पहले चोर घर से किसानों के पशुधन को चुरा ले जाते थे, लेकिन अब मजबूत होते लॉ एंड ऑर्डर की बदौलत ऐसी घटनाएं थम गई हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का सर, आयात
निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहां हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बाहर, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। गांव की अर्थव्यवस्था खेत खलियान पर निर्भर होती है। किसानों की आय बेहतर हो इसके लिए गांव में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों की जुताई हो या फसल की बुआई, यहाँ किसानों का तरीका आधुनिक है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले रबी सीजन की बुआई के लिए डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP खाद के लिए बड़ी मारामारी होती थी, किसानों को बड़े चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब उन्नत खाद बीज की उपलब्धता ने किसानों को सरल कर दिया है। गांव का विकास तो जोरदार है। मेरा नाम जमुना प्रसाद त्यागी, गांव बांसबोड़िया है, जिला आगरा में अतमादपुर तहसील में पड़ता है। गांव में विकास सही चल रहा है, सौर ऊर्जा की लाइट सही चल रही है, और प्रधान जैसे जब से हमारी ये मोदी सरकार आई है, मोदी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, गांव में विकास की लहर सी चल रही है। जैसे सौर ऊर्जा की लाइट है, बैटरी वाली लाइट है, जो लाइट सौर ऊर्जा से चलती हैं वो लाइट है, जैसे एक हमारे यहाँ ये लगी हुई है अभी समय। और खेती के मामले में हम बात करें आपसे, तो खेती हमारा क्षेत्र तो आलू की समय खेती करता है, और आलू के बाद में जब खेती हम गर्मियों में करते हैं तो बाजरा की और मूंग की खेती अधिकतर करते हैं, लेकिन मेन खेती हमारी आलू की है। लेकिन हमारा किसान अब धान की तरफ भी जा रहा है, यहाँ इधर इस बार धान भी बहुत हुआ है, और वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सरकार जब से BJP की आई है काम सही चल रहा है। वैसे जैसे DAP है तो हमारी सोसाइटी जब बांसबोड़िया आगरा साधन सहकारी समिति बांसबोड़िया ये पास में ही है, और इस वर्ष सबसे अधिक DAP उस साधन सहकारी समिति पर बटी हुई है, जो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, हमें पूरी DAP अवेलेबल हुई है, वहाँ से पूरी तरह से विकास है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी आदमी को रही सम्मान निधि की बात, तो हमारे यहाँ जैसे हमारे सब लोगों की सम्मान निधि, किसान PM सम्मान निधि है, वो आ रही है खातों में, और गली खरंजा तो सब चल रहा है नाले, अब उस समय विकास वैसा चल रहा है, जैसे जो गंगा जल योजना के लिए वो जा रहा है, नहीं बढ़िया विकास चल रहा है। सबसे बड़ी हमें एक जो सुकून मिला है इस सरकार में, वो सबसे बड़ा सुकून मिला है कि यहाँ आतंकवाद मान लीजिए या जैसे गुंडागर्दी चोरी चूटी, उस समय तो ऐसा सुकून मिला है कि रात के 12 बजे आप कहीं खड़े रहिए, आपको ये फर्क नहीं है कि हमारा कोई नुकसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल खत्म हुई है गुंडागर्दी।
मैं शुभोध कान, ग्राम बासबोड़िया, और मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ कैस्ट्रॉल में, और बाकी अपना आलू का भी काम करता हूँ। रात को आता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, पुलिस मिलती है मुझे। इस सरकार में थोड़ी इस चीज़ पे तो कार्रवाई सही हुई है। अभी बगल से एक ट्रैक्टर चोरी हो गया था और 3-4 दिन में वो वापस भी आ गया। विकास भी अच्छा हुआ है गांव के अंदर, मतलब गली खरंजा अभी सिविल लाइन डल रही है गंगा जल की, ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है। गाँव में आपको सभी सड़कें पक्की मिलेंगी, हर घर तक लगभग बिजली पहुँच गई है, ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिल सके इसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है, पूरा गांव खुले में शौच से मुक्त है, बच्चे बच्चियों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, गांव में ही अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए विद्यालयों का नवीनीकरण करवाया गया है। अब यहां बेटियां उच्च शिक्षा के लिए शहर या दूर जाने की वजह अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ती, गाँव में ही महाविद्यालय होने से आज वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ रही हैं। पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ने जाती हूँ। क्या पढ़ते हैं? बीए कर रही हूँ। अच्छा, बीए कर रहे हैं, तो यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, सभी के पेरेंट्स पढ़ाते हैं उनको। गाँव कैसा है? हाँ, गाँव अच्छा है और यहाँ पे विकास भी सही है। सड़कें वड़के बनी है? सड़कें तो बनी है लेकिन नालियाँ नहीं बनी है सही से। कमोवेश यहाँ हर वो जरूरी सहूलियतें मौजूद हैं जो एक विकसित गांव को चाहिए, हर गली हर सड़कों को पक्का करवाया गया है, बिजली पानी की व्यवस्था आम लोगों की पहुंच में है, जिससे ग्रामीण जीवन की दशा में बड़ा सुधार हुआ है। खेती आलू की होती है हमारे यहाँ मुख्य रूप से, कुछ धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, सरसों भी होती है, लेकिन वो बहुत कम रह गई है, ज्यादातर आलू की खेती है, लेकिन आलू की खेती इस साल लेट हो रही है खाद न मिलने की वजह से। गांव कैसे, सड़कें हैं? नहीं, सड़कें तो हैं गांव में। अस्पताल है? अस्पताल नहीं है, स्कूल है, विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। कैसा, मतलब गांव में क्या देखते हैं, क्या क्या चाहते हैं, गांव कैसा है? नहीं, गांव में बिजली पानी सड़क यही होती है, तो बिजली भी है, पानी तो हर, हाँ, दूसरी विद्यालय है, स्वास्थ्य की कोई अस्पताल नहीं है यहाँ, दूसरी सड़कें भी बनी हैं, गली खरंजे भी ठीक हैं। यूं तो गांव के तमाम घरों में बिजली पहुंचाई गई है, अब ग्रामीणों को बिजली कटौती से भी परेशान नहीं होना पड़ता, फिर भी गांव में कभी अंधेरा ना हो इसके लिए सौर ऊर्जा से संचालित बल्ब जगह जगह लगाए गए हैं, जो शाम होते ही जगमगा उठते हैं। जन सरोकार से जुड़े कामों को देख कर ग्रामीणों के चेहरे पर सुकून के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज वो धरातल पर विकास कार्यों को देखकर बेहद खुश हैं। नाम देवेंद्र कुमार त्यागी, ग्राम हेमराजपुर और जिला फिरोजाबाद, विकासखंड टूंडला। वैसे सरकार की जो योजना चल रही है वो सारी जो धरातल पर आ रही हैं, गांव तक आ रही हैं, जितने प्रधानों को काम दिए जा रहे हैं वो सारे काम हो रहे हैं, और जो भी बीज वितरण किया जाता है वो भी किसानों को पूरा मिल रहा है, लेकिन वो समय पर न मिलके इस समय, इस साल थोड़ी DAP की समस्या हो गई है, इससे किसान परेशान हो गया है। बाकी स्थिति सुधरी है? हाँ, बाकी स्थिति किसान की सुधरी है इस साल, किसान जो चैन में है इस साल। आलू का व्यापार के बारे में बताइए। आलू का व्यापार इस समय ठीक चला है, हमारे यहाँ आलू की रेट सही मिली है, 1400-1500 रुपये कट्टा, मतलब 3,000-2,700-2,800 कुंटल खूब बिका आलू, अब इस समय थोड़ा डाउन हो गया। विकास के पथ पर है किसान? हाँ, आलू से विकास के पथ पर है। और क्या कहेंगे? यही है कि बढ़िया किस सरकार और योजना एक दो लागू कर दे, या छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएँ, जैसे ये चिप्स वगैरह होती है आलू के, अपने क्षेत्र में आगरा मंडल में बहुत बड़ा आलू का मंडल है आगरा, इसमें थोड़े बहुत कारखाने लगाए जाएँ आलू संबंधित। आलू की बढ़िया खेती हो रही है और बढ़िया पैदावार ले रहे हैं हम किसान, गांव के सारे, और गांव के सारे किसान, और बढ़िया कोई अच्छी बीज मिल रहे हैं हमें और बढ़िया पैदावार आ रही है और सब बढ़िया है। ये बात जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच पर जोर दिया है। कुछ साल पहले अक्सर ये शिकायतें हुआ करती थी कि न लोगों के लिए पीने को साफ पानी, न स्वास्थ्य सुविधाएं, न शिक्षा और न ही
दूसरी बुनियादी सहूलियतें मिल रही हैं। सरकारी योजनाएं धरातल पर पहुंचने से पहले दम तोड़ देती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब योजनाएं धरातल पर पहुंच भी रही हैं और ग्रामीण भारत की आवाम इसका भरपूर लाभ भी उठा रही है। जी, मैं बासवड़िया से देसाई त्यागी बात कर रहा हूँ, थाना बरहन, तहसील अहमदपुर, जिला आगरा से। जैसा कि मुझे लगा कि सरकार मोदी जी और योगी जी की बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत सारा लाभ मिल देखने को मिल रहा है। जैसे कि शिक्षा में भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है और खेतीबाड़ी के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सड़कें भी अच्छी बन रही हैं और हमें लोगों को सम्मान निधि टाइम से मिल रही है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। समय समय पर खाद वितरण मिल रहा है और बहुत सारी योजनाओं का लाभ देखते हुए हमारे यहाँ गुंडागर्दी भी कम हो गई है। बहन बेटियाँ स्कूल जाती थी, बहुत सहमति थी, उन्हों देखते हुए बहन बेटियाँ भी सुरक्षित हैं और मैं योगी मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी सरकार को मैं आभार जताता हूँ और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और आगे के लिए मैं कामना करता हूँ कि यही आगे के लिए सरकार रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आगरा में किसान आलू की खेती प्रमुख तौर पर करते हैं, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आलू की खेती से वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं या नहीं, उनकी आय बढ़ रही है या नहीं, क्या चुनौतियां हैं। ये सब जानने के लिए हम गांव में स्थित कोल्ड स्टोर पहुंच गए। यहां हमने किसानों से बात की। तो देखिए, गांव में कितना विकास हुआ है वो समझने के लिए यहाँ एक कोल्ड स्टोरेज पर हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो ओनर हैं, जो स्वामी हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि हमारे किसानों को कितना फ़ायदा इस खेती में, आलू की खेती में हो रहा है। ये समझाने के लिए हम बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? भगवान दास गौतम। कैसे हमारे किसानों को कैसे देखते हैं? वो तो सीजन के, साल की बात है, कभी घाटा भी पड़ता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। इस साल तो प्रॉफिट में किसान। प्रॉफिट में तो क्या कहेंगे किसानों के लिए कोई संदेश? अगर बढ़िया बीज, खाद, टाइम पे सब दवा मिले बढ़िया, तो किसान मतलब ये खुशहाल भी हो सकता है। अब ये अब मार्केट में इस समय नकली खाद, नकली दवा, नकली बीज सब चल रहे, तो इनसे का उत्थान थोड़ी होगा। तो योजनाओं के बारे में बताइए थोड़ा, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं, किसानों को मिलती हैं? हाँ मिलती हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। हाँ हाँ, सब मिल रही है, सब मिल रही है। अच्छा, हाँ मिल रही है। गवर्नमेंट जो है बढ़िया बीज किसानों को दे, समय पे खाद बीज दे बढ़िया, तो आप मतलब पैदावार भी बढ़ सकती है और किसान खुशहाल भी हो सकता है। कोई प्लांट वगैरह खोल दिया जाए यहाँ, चूँकि आलू का पूरा ये क्षेत्र जो है पूरा आलू का ही है। अगर आगरा जो मंडल है इसमें पूरे में आलू होता है, अगर यहाँ कोई आलू का प्लांट खुलता है तो किसान को बहुत बढ़िया बिक्री मिलेगी, उसे पैसा मिलेगा तो खुशहाल होगा। अच्छा, आलू का प्लांट अगर खोल दिया जाए तो खुशहाल हो सकता है किसान। क्योंकि आलू की खेती यहाँ सबसे ज्यादा है। खूब, हाँ सबसे ज्यादा होती है। खेती कैसे करते हैं आलू की, जरा वो बताइए। खेती की ये है कि खेती आलू की अब गड़ाई चल रही है, गड़ाई के बाद अपने खेती के कार्य पे लगे, त्योहार भी है साथ साथ, तो दोनों कार्य करने हैं किसान के लिए और समय पर अपने खेती बीज बो करके पैदा करना है आलू। ठीक है, एक और किसान यहाँ हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल खेड़ी। खेती के बारे में आलू करते हैं, आलू में डीएपी फीएपी के साथ नैनो यूरिया देते हैं, नैनो जरूर लगाते हैं डीएपी के साथ, और पोटास, पोटास तो लग जाती है, सरपल भी लगती है, नैनो जरूर दे रहे हैं। नैनो यूरिया है तुम्हारी, बैसी है, पोटास है, वो काम कर जाती है। तो देश के बाकी हिस्सों की तरह आगरा के बासवड़िया गांव के किसान भी विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के हित में चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। गांवों में तमाम सहूलियतों के मिलने से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं। देश विकास की नई इबारत लिख रहा है। तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के आगरा के ग्राम बासवड़िया में जिस तरह से किसान यात्रा हमने की और जाना कि कैसे हमारे किसान खेती कर रहे हैं, कैसे हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, और ये ज़िला वाकई अपने आप में एक मिसाल कायम करता है, क्योंकि ताजमहल यहाँ पर है और तमाम ऐसी कलाएँ यहाँ पर हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और अगर खेती की बात करें तो जिस तरह से ये गाँव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से ये विकास रच रहा है, और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों से हमने बात की तो वो जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं, नेचुरल
खेती की तरफ बढ़ रहे हैं वो सब हमने जाना। आपकी इस किसान यात्रा को लेकर हम यहाँ पहुँचे थे और किसान यात्रा में हमने आपको दिखाया, और अब हम चलते हैं आगे की ओर। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आत्माएं हमारे आसपास होती हैं। प्लीज हेल्प। वो हमें तभी दिखाई देती हैं जब वो चाहती हैं। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। सुप्रिया की गाड़ी खराब हुई और उसी वक्त तुम वहां हेल्प करने के लिए मौजूद थे, क्या इत्तेफाक था? और ये जो इत्तेफाक है, इत्तेफाक ही रहे तो अच्छा है, इंटेंशन ना बन जाए। उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मरने के बाद ये शांति पूजा ना हो तो मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। देखिए सुप्रसिद्ध कथाकार हरिशन मेहता के उपन्यास पर आधारित धारावाहिक भेद भरम जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर। यूं तो ये चुलबुली लड़की का नाम है छुटकी, लेकिन इसके कारनामे हैं बड़े। मोबाइल तो रिचार्ज कराया तू? अरे कराया ना बाबू भैया, तो बड़ा की छोटा छुटकी। चांद नहीं बे, सूरज है, जला के ना खाकी कर देंगे। कद से छोटी लेकिन हद में बड़ी छुटकी छटंकी। छुटकी छटंकी, छुटकी छटंकी। देखिए छुटकी छटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार 5:00 बजे, पुनः प्रसारण 10:00 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान
बदलते भारत की शान।